वेलकम फ्रेंड्स, आज का वीडियो प्रेस्टीज कंपनी के रोटी मेकर के रिव्यू के टॉपिक पर होने वाला है। इस डिवाइस में काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन का यूज किया गया है। ये सिल्वर कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी वोल्टेज कैपेसिटी 900 वॉट है। ग्रेनाइट स्पैटर्ड कोटेड सरफेस, लंबे टाइम तक चलने वाले नॉन स्टिक परफॉर्मेंस और एक एलिगेंट फिनिशिंग के पैटर्न में इसे डिजाइन किया गया है। यूनिक कवर्ड सरफेस, इस रोटी मेकर में सरफेस कवर डिजाइन किया गया है जो सुनिश्चित करता है रोटी को बीच में ही रखा जाए और रोटी पैनकेक ऑमलेट को फ्लिप करने में इजी हो। इस रोटी मेकर के बॉडी को स्टेनलेस स्टील के मटेरियल से डिजाइन किया गया है जो इस डिवाइस को ड्यूरेबल और शॉक प्रूफ बनाता है। ये अप्लायंसेस एडजस्टेबल टेम्परेचर नॉब के साथ आता है ताकि इस डिवाइस के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, इस रोटी मेकर के नॉब को यूज करके एकदम सही और फ्लफी रोटी बनाया जा सकता है। इस रोटी मेकर में पावर इंडिकेटर इनबिल्ड है जहां रेड लाइट पर ये इंडिकेट करता है कि रोटी मेकर ऑन है। ग्रीन लाइट ये इंडिकेट करता है कि रोटी मेकर का बेस हीट हो रहा है और जब लाइट ऑफ हो जाए तो आपका रोटी मेकर यूज करने के लिए रेडी है, यानी आप रोटी तैयार कर सकते हैं। इसका यही फीचर्स इसे यूज करने में एक्सट्रीमली कन्वीनियंट और कंफर्टेबल बनाता है। इस आइटम का वेट 2 kg 180 ग्राम्स है। इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी ब्रांड की तरफ से मिल जाएगी। इसका प्राइस 2799 रुपीज में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस डिवाइस में इंटरेस्टेड हैं तो इसका बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं इसे किस तरीके से यूज करते हैं। इस पर रोटी बनाने के लिए आपको आटा सॉफ्ट लगाना होगा। इस बात का ध्यान दें कि आटा ज़्यादा गीला ना हो और ना ही कोई पार्टिकल्स हो आपके आटे में। आटा लगाने के बाद आपको 30 मिनट तक आटे को सेट होने के लिए छोड़ना होगा। फिर आपको रोटी मेकर को स्टार्ट करना है। रोटी मेकर के बेस को हीट होने के लिए इसके मैक्सिमम टेम्परेचर को आपको सेट करना है। फिर आपको आटे के डो को कुछ इस तरह करना है। इसके बाद आपको रोटी मेकर के किनारे वाले साइड पर आटे के डो को रखना है और इसके बाद डो को कुछ इस प्रकार से पुश करना है जिससे आटे का डो रोटी के शेप में आ जाएगा। दोस्तों, रोटी को तब तक फ्लिप नहीं करना है जब तक रोटी पर बबल्स ना आ जाएं। बबल्स आने के बाद रोटी को फ्लिप करना है। कुछ टाइम रोटी पकने के बाद रोटी मेकर के कैप को कुछ इस प्रकार से रोटी पर रख देना है। ध्यान रहे, रोटी मेकर के कैप को पुश नहीं करना है। 30 सेकंड से 60 सेकंड तक छोड़ देना है। आपकी रोटी ऑटोमेटिक फुल कर बाहर आ जाएगी। दोस्तों, आप इस डिवाइस में रोटी, पैनकेक, ऑमलेट जैसे और भी आइटम को आसानी से बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो में थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में।